इस तरह के स्थानीय मेले होने आवश्यक। लगाओ फुक्का लगाओ ना, यहाँ लगाओ, ये क्षेत्र का फायदा उठा रहे के सामने खाली किया जाता है उल्टा के। ये हमारे गोपेश्वर महादेव। तो दोस्तों आनंद लेते हुए और तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा। तो दोस्तों ये है हमारे गोपेश्वर महादेव का मंदिर, जहां आज काल रात्रि के अवसर पर जागरण किया जा रहा है भक्तों के द्वारा। जो शिव भक्त हैं वहां पर यहां पर एकत्रित हुए हैं आज रात्रि के जागरण के लिए। दोस्तों ये हमारे गोपेश्वर महादेव में जो घड़े लगे हैं, ये घड़े लगाए जाते हैं बैसाख के में। घड़ों में पानी भरा जाएगा तो यहाँ से इस मेन घड़े में जल दिसेगा और यहाँ से आप देख रहे होंगे, अगर आपको यहाँ से बूंदें टपकती हुई दिख रही हैं तो यह शिवलिंग जो नीचे है इसके ऊपर सीधे गिरते हुए पर तो दिख रही होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सब अपने नाम के घड़े लगाते हैं और यहाँ जो शिव भक्त हैं, शिव पुजारी हैं, उनके द्वारा इसमें जल भरा जाता है और वह जल शिव को अर्पित किया जाता है। सावन के महीने में जलाभिषेक किया जाता है, वह एक एक बूंद करके इस शिवलिंग में गिरता है जिसे कहते हैं जलाभिषेक। शिव जी के साथ हमेशा वासुकी नाग महाराज रहते थे, तो ये वासुकी नाग महाराज हैं और जिन्होंने इनकी ऊपर अपना छत्र लगा रखा है। इस छत्र से सीधे शिवलिंग में पानी चढ़ेगा। तो दोस्तों द्वापर युग में बना यह शिव मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं, तो इस तरह से सारी मूर्तियाँ यहाँ पर सुशोभित की गई हैं। मेन रूप से बात करें दोस्तों, जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तो इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में गोपियों और श्री कृष्ण के द्वारा भोले शंकर की आराधना की गई थी। तब गोपियों को दर्शन दिए गए थे यहाँ पर भोले शंकर के द्वारा, तब से भोले शंकर यहाँ पर विराजमान हैं। दोस्तों जो ये मैं आपको शिवलिंग दिखा रहा हूँ, यह शिवलिंग की एक ऐसी कथा है कि कहते हैं कि यह शिवलिंग का जो जड़ है वह गोपेश्वर के तट तक है। तो ये जो चोटी है कम से कम 100 मीटर की हाइट पर है और इसका जो शिवलिंग है वह सीधे गोपेश्वर के नदी के तट तक मिला हुआ है। तो ये है हमारा द्वापर युग में बना ईश्वर महादेव है और इसका जो वर्णन किया गया है वह मानस खंड में भी किया गया है कि बागेश्वर में जब बाबा बागनाथ की स्थापना हुई थी तो उसमें वर्णन किया गया है कि धपोला सेरा नामक ग्राम सभा में द्वापर युग में गोपेश्वर महादेव के मंदिर में स्वयं भोले शंकर ने दर्शन देकर इस पवित्र तीर्थ की स्थापना की थी। तो यह है हमारा गोपेश्वर महादेव का मंदिर और जो यहाँ के पुजारी हैं वह मण गोपेश्वर में रहने वाले रावल और पांडे लोग हैं। तो दोस्तों ये बन रहा है हमारा आज के जागरण के शिव गणों के लिए जो भोज बन रहा है, वो हमारे राजू भाई और अशोक भंडारी भाई बना रहे हैं, साथ में दीपू भाई लगे हुए हैं बेलने में और जो उस साइड को बैठे हैं सभी भक्तगण बैठे हैं जो शिव के गण हैं। तो आज के जागरण में जो भोज्य पदार्थ पावन जो भोग्य भोग यहाँ पर बना हुआ है हमारे भक्तों के द्वारा, इस तरीके से यहाँ पर सभी भक्त अभी भोज का आनंद लेते हुए हम अपने जो पर्व हैं उनको बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं। शायद भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं पर जब आस्था की बात आती है, आस्था सबकी एक है और उस आस्था को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इस महादेव के प्रांगण में बड़े भक्ति भाव से लोगों की सेवा करते हैं और इस आस्था को अपने आराध्य को अर्पित करते हैं कि हम अपने तन मन धन से यहाँ पर जो भी
भक्तगण आ रहे हैं उनकी सेवा करेंगे। इन भक्तों को भोजन कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो लोग सबसे धनवान व्यक्ति हैं, क्योंकि किसी को भोज कराना ये हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि सबसे पवित्र काम वही है। आप एक भूखे को अगर भोग कराते हैं तो उससे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिलता है। तो जितने भी हमारे भक्तगण यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं वो सभी इस पुण्य चीज़ को ग्रहण करते हुए और भगवान पर पूर्ण आस्था रखते हुए अपने मनोभाव से इस भक्ति को कर रहे हैं। इसके लिए इन सभी भक्तों को कोटि कोटि नमन। और इस तरह से दोस्तों हमें अपने धर्म और आस्था के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। धर्म बचा रहेगा, आस्था बची रहेगी, तभी यह संस्कृति भी बची रहेगी, यह देश भी बचा रहेगा। भक्तगण ये हमारे गुरुजी हैं जो आज यहाँ शुद्ध भोज बनाने के लिए आए हैं, पर आप खाने लगे, भोजन बन गया क्या? हाँ बन गया महाराज। आपका बना है या भक्तों का भी बन गया? भक्तों का बन गया। पहाड़ों में जब भी कोई तीज त्योहार होता है सबसे पहले नहा धोकर देली की पूजा की जाती है। तो इस तरह से हमारा हरेला जमा हुआ है, तो ये चल चुकी है मम्मी की दराती हरेले पे। ये पहली आठ कटी, अब दूसरी कर चुकी है, तीसरी कर चुकी है, अब चौथी कर चुकी है। इस तरीके से पांच मुठे इसको काटा गया है, जबकि इसमें जा रहा हूँ मैं इसको, और इसको खाली करते हैं तुलसी के सामने। इस तरीके से इसको तुलसी माता के सामने खाली किया जाता है, उल्टा करके। आज हरेले के पावन अवसर पर सावन के पहले दिन इस तरह की भीड़ लगी हुई है शिवालय में। ये जो है मुख्य मंदिर की भीड़ है, और जो ये है ये भैरव मंदिर की है। पहले यहाँ जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद ऊपर जाया जाता है। तो इस तरह से दो लाइनों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तो काफ़ी लंबी लाइन है, शायद दो तीन घंटे में नंबर आएगा। स्थानीय लोग होने के कारण काफ़ी पाजी हो चुके हैं हम लोग। है आज सावन के पहले दिन भक्तों की भीड़, और इस तरह से मैं भी लाइन में हूँ उधर पर। अभी थोड़ा थकान हो गई तो तब बैठ गया इधर। और ये हमारे बाबा जी हैं यहाँ पर, चंदू बाबा। चंदू बाबा सबको लगाओ, छार लगाओ, फूक का लगाओ ना, यहाँ का लगाओ। तो ये सभी श्रद्धालु जो हैं अभी लाइन में लगे हुए हैं। इस तरीके से आज सावन का पहला पर्व हरेला के रूप में, और सभी हरेला और भोले शंकर को जल अर्पित करने आए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे शासन प्रशासन के लोग भी इस कार्य में मदद करते हुए, तो इस तरह से पूरी लाइन लगी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो कट मार के आए हैं ना इधर। हाँ ये सब कट मार के आए हैं, जितने दिख रहे हैं दबोला शेरा वाले, ये क्षेत्र का फायदा उठा रहे हैं। छोटू ठीक हो रहा है? ये क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है? अच्छा ठीक ठीक। इस तरह से सावन के महीने में यहाँ पर छोटे छोटे व्यवसायी आके अपना व्यवसाय करते हैं। इस तरह के स्थानीय मेले होने आवश्यक हैं, क्योंकि यह एक रोजगार का साधन भी है। तो इस तरह से सारे ये जो हैं स्थानीय व्यापारी हैं, कुछ बागेश्वर से आए हैं। तो मेले की शॉपिंग एक अलग होती है यहाँ पर, कुछ बच्चे शॉपिंग करते हुए। और ये देखिए इस तरह से मेले और बाज़ार की शॉपिंग में ज़रूर अंतर है,
क्योंकि ये छोटे मेले हमारी धरोहर हैं और यही मेले हमारे मिलन के केंद्र भी थे, जो आज के समय में कुछ तो जीवित हैं, पर पहले जब ये मेला हुआ करते थे दूर दूर से व्यक्ति कोई केला फल जो भी घर में हमारे पास जो भी साधन थे व्यवसाय के उनको ला के इस मेले में बेचा करते थे, जैसे डलिया हैं, डोके हैं और केले हैं, अखरोट हैं, इस तरह के सामानों को यहाँ पर व्यापार किया जाता था, उसी के लिए व्यवसाय, जिससे कि थोड़ा आय का साधन बने। और इस तरीके से हमारे ये छोटे छोटे पर्व जो एक छोटे मेले के रूप में हैं और कुछ न कुछ व्यवसाय यहाँ पर लोग करते रहते हैं, इस तरीके से पंडित जी लोग भी यहाँ पर अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। और ये बीरेन जी आ गए हैं, इन्होंने भी कुछ शॉपिंग कर रखी है बच्चे के लिए। और इस तरह से सारे महिलाएं यहाँ पर सावन के पहले दिन कुछ सामान खरीदते हुए, क्योंकि यह महिलाओं के लिए विशेष महीना माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, तो इस तरह से सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं।